So बेटे कोरिलेशन, as we had already discussed, what is correlation? It is that technique of statistical analysis which helps us to find the degree and extent of relationship between two or more variables. We are students of economics. There are various variables in economics which are related to each other. So we are interested in knowing what is the degree of relationship. Excuse me, ma'am. Yes, bachche. मैम आपकी आवाज थोड़ी ना क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा आप लाउड बोल सकते हो? लाउड आवाज क्या मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, थोड़ा आप लाउड बोल रहे हो प्लीज. आई एम वेयरिंग माइक बेटे, शुड बी क्लियर. ओके, सो वी माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप. I told you that day also, price and demand are two variables. We are interested in knowing price ke badhne se demand kam hogi ya badhegi, hai na? Fir hum ye bhi janne mein interested, hame ye pata chal gaya ke inme jo relationship hai wo negative hai, yani price ke badhne se demand kam hoti hai. Now we are interested in knowing what is the extent of relationship. यानी अगर price 50% बढ़ता है तो demand कितने percent कम होती है. What is the extent of relationship? Are these two variables closely related or not very closely related to each other? So in order to know the degree and extent of relationship between two or more variables, we have one statistical technique which is known as correlation. So we also started discussing types of correlation on different criteria. There are different types of correlation. We studied about positive and negative correlation. Second, linear and non-linear correlation. Coming to third, which is on the basis of number of variables studied, that is simple and multiple correlation. Simple and multiple correlation. So what is simple correlation? Bete, correlation between two variables. There are two variables, say x and y. Inke beech ki correlation ki study ko hum kehte hain simple correlation. Theek hai? What is simple correlation? Study of correlation between two variables. For example, price and demand. ठीक है, price and supply, income and expenditure, and so on. Coming to multiple correlation. What is a multiple correlation? When the number of variables are more than two, say x, y, z. ठीक है, तीन variables हैं. तो इनके बीच की कोरिलेशन को जब हम फाइंड आउट करते हैं, व्हेन वी स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स, व्हेन द वेरिएबल्स आर मोर देन टू एंड वी स्टडी कोरिलेशन अमंगस्ट ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली, इसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन वेरिएबल production of wheat. ठीक है, एक वेरिएबल है वीट की प्रोडक्शन, बाकी वेरिएबल्स हैं से सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रेनफॉल. वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इन वेरिएबल्स और ये कौन बच्चा बेटे जैस्मीन, माइक ऑफ करो अपना बेटे, म्यूट योरसेल्फ.
ऑल राइट, सो अगर हम x को एक तरफ ले लें, ये प्रोडक्शन ऑफ वीट, लेट अस से x वेरिएबल हमने इसको कह दिया, ये बाकी वेरिएबल्स हमने इकट्ठे ले लिए और इनके बीच के अगर हम कोरिलेशन निकालें, टेकिंग वन वेरिएबल ऑन वन हैंड एंड ऑल अदर वेरिएबल्स टुगेदर ऑन अनदर हैंड, नाउ इफ वी फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन देम, दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन. वी हैव इन अवर सिलेबस ओनली सिंपल कोरिलेशन. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. मूविंग अहेड, राइट डाउन मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन. बेटे देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन. वन, स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड, अनदर कार्ल पियर्सन्स मेथड, एंड थर्ड वन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन. दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन. स्कैटर आई एम अ बिट डाउटफुल है या नहीं है, आई विल जस्ट चेक. आई विल बी स्टार्टिंग विद द स्कैटर्ड कार्ल पियर्सन्स मेथड. सो नाम से ही ऑब्वियस हो रहा है ये डायग्रामेटिक मेथड है. इसमें हमें जो वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है उसको हम प्लॉट करते हैं, उनको देखकर डायग्राम को देख के हम जजमेंट लगाते हैं व्हाट इज दी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. कार्ल पियर्सन इज अ मैथमेटिकल मेथड, क्योंकि नेचुरली जो डायग्रामेटिक मेथड है वो हमें कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं देता, है ना. तो कार्ल पियर्सन एक मैथमेटिकल मेथड है, इससे हमें एग्जैक्ट नेचर और डिग्री के बारे में पता चल जाता है. स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन तब यूज होता है, ऐसे फिनोमिना के केस में यूज होता है जिनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते. देयर आर सर्टेन फिनोमिना विच कैनॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, ठीक है, उनकी हम रैंकिंग कर सकते हैं लेकिन हम उनको मेजर नहीं कर सकते. हाउ इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट इज, हाउ ब्यूटिफुल अ चाइल्ड इज, ठीक है, हाउ वेल यू हैव परफॉर्म्ड इन योर म्यूजिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये सारे फिनोमिना ऐसे हैं जिनको हम माप नहीं सकते लेकिन हम उनको रैंकिंग कर सकते हैं, क्या ए बेटर देन बी है या नहीं. तो उस केस में वी मेक यूज ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, दो इट्स रियली इंटरेस्टिंग बट इट्स नॉट इन अवर सिलेबस. सो वी आर स्टार्टिंग विद कार्ल पियर्सन्स मैथमेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन, ठीक है. सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है. कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो डिग्री होती है बेटे उसको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं. कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की डिग्री क्या है, यानी टू व्हाट एक्सटेंट दे आर रिलेटेड टू
each other. See, all of you are friends, right? But some of you are best friends. अगर मैं बोलूं आप दोनों का रिलेशन, आप बोलो मैम फ्रेंड्स हैं, बट यू मे बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू मे बी मॉडरेट फ्रेंड्स, ठीक है ना, कलीग्स हैं, ठीक है, फाइन, और यू मे बी एनिमीज, इजंट इट, और यू मे नॉट बी, चलो एनिमीज नहीं हो, यू मे नॉट बी फ्रेंड्स एट ऑल. बोलो मैम हम तो बात नहीं करते. मैं बोलूं आप दुश्मन हो, दुश्मन थोड़ी ना हो, नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, बट यू जस्ट डोंट टॉक टू ईच अदर. तो तीन तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, एक बेस्ट फ्रेंड्स, एक मॉडरेट फ्रेंड्स और एक नो फ्रेंड्स, ठीक है. इसी तरह से जो दो वेरिएबल्स हैं आपस में उनकी जो कॉफिशियंट है या डिग्री है कोरिलेशन की, वो भी तीन तरह की हो सकती है. फर्स्ट वन परफेक्ट, थर्ड वन नो कोरिलेशन, सेकेंड लिमिटेड कोरिलेशन. परफेक्ट कोरिलेशन, यू मे बी परफेक्टली कोरिलेटेड टू ईच अदर, यू मे बी लिमिटेड कोरिलेटेड टू ईच अदर, you may be not correlated to each other. सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन की. परफेक्ट कोरिलेशन कब होती है? When the two variables, सुन लो, they change in the same proportion. जितना x में change आया उतना ही y में change आया. प्राइस 10% चेंज हुआ, डिमांड भी 10% चेंज हो गई. दिस इज व्हाट परफेक्ट कोरिलेशन, इजंट इट. दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको किसी काम पे भेजा, तो जितने स्टेप्स, दोनों सेम स्टेप्स मूव कर रही हैं, हाँ, 10 कदम में एक पहुंचे, दूसरा बच्चा भी 10 कदम में ही पहुंचे, सेम साथ साथ चल रहे, परफेक्ट correlation. The two move in same proportion. अब याद रखना, मैंने proportion बोला है, मैंने direction नहीं बोला. मैंने कहा x और y perfectly correlated है अगर x और y में जो change है वो same proportion में आ रहा है. मतलब अगर x में change 20% है, y भी 20% चेंज हो रहा है. इसमें भी फर्दर दो केसेस हो रहे हैं, x 20% इंक्रीज हुआ, y भी 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है. इससे दो चीजें पता चल रही हैं, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है दोनों की, सेम है. तो हम क्या कहेंगे जब डायरेक्शन सेम होती है, तुम क्या कहते हैं, कौन सी कोरिलेशन है, पॉजिटिव. दूसरी बात, एक्स कितना इंक्रीज हुआ, 20%, वाई भी कितना इंक्रीज हुआ, 20%. तो ये क्या बता रहा है, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन. तो क्या एक्सटेंट है, परफेक्ट. सो देयर इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. टेक द अनदर केस, अगेन एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, एक्स में चेंज आया 20%, वाई में भी चेंज आया 20%, ठीक है. X इंक्रीज हुआ 20%, Y डिक्रीज हुआ 20%. What is the direction of change? Opposite. So which means they are negatively correlated. What is the extent of correlation? इसमें कितना चेंज आया, इसमें भी
परफेक्ट, नेगेटिव परफेक्ट, पॉजिटिव परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या? जब दोनों वेरिएबल्स सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। प्राइस 20% बढ़ा, सप्लाई भी 20% बढ़ गई, ये कौन सा केस है? पॉजिटिव एंड परफेक्ट। प्राइस 20% बढ़ा, डिमांड 20% कम हो गई, नेगेटिव एंड परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, सो व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज, ब्रैकेट में लिखो इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन, इन द सेम प्रपोर्शन, इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूं आपको, ये एक्स और वाई है, 1 2 3 4 5 एक्स चेंज हो रहा है, वाई 10 15 20 25, वाई भी चेंज हो रहा है, बोथ आर चेंजिंग इन द सेम प्रपोर्शन। आप परसेंटेज देख लो, this minus this over this into 100, this minus this over this into 100, this will be same, percentage change in x nikalo, percentage change in y nikalo, same aayega, theek hai, ye kaun sa case hai, x badh raha hai aur y bhi badh raha hai, positive perfect correlation, this is the example of positive perfect correlation between x and y. Now this is the case of negative perfect correlation between x and y. ठीक है, this is about perfect correlation between x and y. Coming to limited degree of correlation, limited degree of correlation. All right, another thing which I forgot to mention, jab x aur y mein perfect correlation hogi to jo correlation ka coefficient hai it will be 1. कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी? 1। मतलब अगर मैं बोलूं बेटे एक्स और वाई में मैंने कोरिलेशन निकाली है और आर 1 आया है, तो बताओ जरा एक्स और वाई में क्या कोरिलेशन है? परफेक्ट। प्लस हो गया, अगर मैंने आगे प्लस 1 लगा दिया तो परफेक्ट पॉजिटिव, माइनस है तो नेगेटिव परफेक्ट। ठीक है, जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होता है इट्स अ प्योर नंबर विदाउट यूनिट्स। मतलब अगर एक्स रुपीज में है, वाई यूनिट्स में है या केजीज में है, कोई भी अलग यूनिट में है, आर हमेशा विदाउट यूनिट होगा। इट इज अ प्योर नंबर, कोफिशियंट इज ऑलवेज अ प्योर नंबर। सेकेंडली, इट्स वैल्यू इज इन बिटवीन, ये जीरो से कम नहीं हो सकता, सॉरी जीरो और हाँ जीरो से कम नहीं हो सकता और वन से एक्सीड नहीं कर सकता। वैल्यू ऑफ आर ऐसे लिख सकते हो, आर की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
वो तो सिर्फ डिग्री बताता है ना बेटे. ओके व्हाट इफ आई राइट माइनस वन हेयर. जस्ट वेट.